हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल कर्मा माइंड एंड इट्स मैजिक में। ऐसे तो बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, बट एक चीज़ है जो मैं रोज करती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मुझे। तो आज का ये वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड है, अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। आज आपको जो सुनने मिलेगा ना, वो लाइक सुपर पावरफुल होगा। तो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना चाहते हो, उनको पावर देना चाहते हो, इतनी पावर देना चाहते हो कि वो मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, आपकी रियलिटी में वो आके वो चीज़ें खड़ी हो जाए, तो आप जब भी इसी तरह रात में सोने जाते हो, थके हारे होते हो ना, तो मेडिटेट करो, विजुअलाइज करो उन चीज़ों को। इसको बोलते हैं अल्फा स्टेट मेडिटेशन। जब आप एक ऐसी स्टेट में होते हो कि आप जो भी अपने ब्रेन में इम्प्रिंट करना चाह रहे हो वो तुरंत इम्प्रिंट हो जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक डिलीवर किया जाता है वो चीज़, वो थॉट, वो फीलिंग, वो हर चीज़ इम्प्रिंट होती है एग्जैक्टली द वे यू वांट। जब आप इस अल्फा स्टेट में होते हो, अल्फा स्टेट क्या स्टेट होती है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। अल्फा स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है अपने माइंड की जब आपको नींद आनी शुरू होती है एकदम हल्की 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 हल्की। उस टाइम पे जब आप जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे होते हो और फिर नींद में चले जाते हो ना, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है आपके मैनिफेस्टेशन से क्लोज जाने में। क्योंकि जब आप ऐसी स्टेट में होती हो ना, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के दरबान या वॉचमैन बोलते हैं ना, वो अपनी जगह छोड़ के जा चुके होते हैं सोने के लिए, एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके बीच में कोई गैप नहीं रहता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, कोई ये बोलने वाला नहीं होता कि ये झूठ है या सच है, और वो चीज़ें डायरेक्ट डिलीवर होती। आप बोलते हो ना आपको सपने आते हैं, हम सबको आते हैं राइट, जो ये सपने आते हैं ना हमको, तो ये सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है हमारे सोने के बाद में भी। हम जो फील कर रहे होते हैं बिफोर स्लीपिंग, जो चीज़ें हमने इम्प्रिंट की होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उपज रही होती है हमारे नींद के बाद में भी, और इसीलिए आपको सपने आते हैं। वरना अगर हम सोते और हमारे साथ हमारा ब्रेन भी सो जाता तो हमको सपने आते नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते, बट हमें आ रहे हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% 95% पावर होती है हमारी रियलिटी को क्रिएट करने की, ना कि उस कॉन्शियस माइंड के पास जो हमारी रियलिटी को दिखाता तो ये है कि वही क्रिएट कर रहा है, एकदम एकदम हुकूमत लेके बैठा हुआ होता है, बट नहीं, उनके पास कोई पावर ही नहीं होती, वो बस हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे पास पावर है और हम बेवकूफ बन जाते हैं। तो आपको जब ऐसी मीठी मीठी नींद आ रही होती है ना, उस टाइम पे अपनी चीज़ों को विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, और अगर आपको नींद आ जाए उस बीच में तो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ें ना डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। एंड एक और चीज़, जब लैंड होता है, ठीक है, एक लैंड होता है जिसमें आप जो भी सीड डालो इजिली ग्रो कर जाता है, एक लैंड होता है जिसमें नहीं करता है। हम जब सोते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ना उसी लैंड की तरह होता है जो इजीली चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी हमारे थॉट्स को, हमारी ड्रीम्स को इजीली अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर और बोलता है कि यही रियलिटी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन में आप डेली रात में होते हो ना, तब विजुअलाइज करो अपनी चीज़ों को, बेस्ट बेस्ट जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों को, उन सारी सिचुएशंस को विजुअलाइज करो और देखो कैसे आपकी विश फटाफट पूरी होती है। तो मैं यही करने जा रही थी और बहुत थकी हुई थी, सो नींद आने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, आपको बताया जाए कि कितना बेनिफिशियल होता है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अट्रैक्ट एनीथिंग यू वांट। और जब आप इस टाइम पे मेडिटेट करते हो या विजुअलाइज करते हो ना, तो आपके ड्रीम्स को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स लाइक मैजिक, इट्स साइंस। जब डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी चीज़ें जाती है तो वो आपकी रियलिटी में आके ही रहती है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में अपना प्रीशियस फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूले। लव यू ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। गुड नाइट।